और जी डिनर में आज बना रही हूँ मैं मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल की, जो हम रेस्टोरेंट से खाते हैं जी। क्या अपना? अच्छा जी मैं देती हूँ, इसको टैब दो भाई जी। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए है चिकन, तकरीबन ये आधा किलो से ज़्यादा ही है, क्योंकि इफ्तारी में इतना लंबा चौड़ा तो खाना खाया नहीं जाता है, इसलिए 3 पाव होगा ये चिकन है। इसमें जाएगा ये अदरक और लहसुन और मिर्चों का पेस्ट, ये आधा चम्मच जो है वो गार्लिक पेस्ट है और आधा चम्मच ही ये चिल्लीज और जिंजर का पेस्ट है। इसके अलावा ढेर सारे टमाटर और अदरक और हरी मिर्ची काट के एंड पे डालेंगे, और साथ में धनिया भी डालूंगी, फ्रोजन डालूंगी, और थोड़ी सी डालूंगी जो मेथी है सूखी मेथी वो डालूंगी एंड पे। और सूखे मसालों में इसमें जाएगा नमक, सुर्ख मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा जाएगा, और कलौंजी तो मैं डालती ही हूँ। तो चलें देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं बनाती हूँ चिकन कढ़ाई जो रेस्टोरेंट स्टाइल है, तो मेरे साथ रखिएगा। अच्छा जी, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के गरम कर लिया है थोड़ा सा, अब इसमें चिकन डालेंगे और तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये अपना पानी अभी रिलीज ना करे। और बस अब हम स्टेज पे इसमें डाल देंगे जो हमारा पेस्ट है गार्लिक का और जिंजर का और चिलीज का। और 1-2 मिनट बस इसको हिला के चमचे को साथ से टमाटर भी डाल देंगे इसमें। और अब हम इसको ढांप देंगे ताकि ये जरा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और गल भी गए हैं, तो बस अब हम इसे अच्छी तरह से पानी को खुश कर लेंगे और टमाटरों को भी चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो मसाला या ग्रेवी है वो इसी से टमाटर से ही बनेगी। और जब तकरीबन हमारा पानी खुश्क हो जाएगा टमाटरों का, तो इसमें हम मसाले डाल देंगे, नमक, मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा है। और थोड़ी सी कलौंजी, आजकल वबाएँ फैली हुई हैं तो उनसे बचाव के लिए सुन्नत नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पानी हमारा खुश्क हो गया है और मैं भून रही हूँ चिकन को, तो इस स्टेज पे हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे और मज़ीद इसको भून लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है, बिल्कुल ऐसे ही महसूस होता है जैसे कहीं बाहर से ही आई हुई है। और बस एंड भी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सूखी मेथी और इसको अदरक और मिर्चें डाल के तो उसे गार्निश कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिर्चें और अदरक डाल के बस थोड़ा सा हमने इसको हिलाना है, और मैं यहाँ पे फ्रोज़न धनिया डाल रही हूँ, और बस इसको अब हम चूल्हा बंद करके तो ढक्कन लगा देंगे, और यूँ हमारी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई रेडी है। रोटी के साथ खाएं या नान के साथ, यकीनन आपको मज़ा आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।